राजा बोलते कुछ भी हो मुझे बाज का बच्चा उड़ता हुआ नजर आना चाहिए, ये मेरा सबसे फेवरेट बाज है। तो ट्रेनर हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और बोलता है महाराज मैं एक महीना तक मैं दिन रात इसको ट्रेन किया लेकिन ये बाज का बच्चा नहीं उड़ पाया। अब मेरे बस की बात नहीं है कि इस बाज के बच्चे को मैं उड़ाऊंगा। राजा परेशान होने के बाद पूरे सिटी में ढिंढोरा पिटवाते हैं ढोल नगाड़े के साथ और बोलते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस बाज के बच्चे को उड़ा पाएगा, अगर कोई भी व्यक्ति इस बाज के बच्चे को उड़ाया तो मैं उसे 100 केजी सोना 100 केजी चांदी और 5 गांव गिफ्ट करूंगा। सारे लोग वहां पर आते हैं लेकिन जब उस ट्रेनर का नाम सुनते हैं जो कि वहां का सबसे बेस्ट ट्रेनर था कि ये ट्रेनर एक महीना में नहीं उड़ा पाया तो हर व्यक्ति फिर वहां से वापस चले जाते, कोई भी तैयार नहीं होता उस बाज के बच्चे को ट्रेन करने के लिए। एक व्यक्ति आता है और बोलता है महाराज मैं इस बाज के बच्चे को उड़ा दूंगा। तो राजा बोलते हैं देख लेना अगर तू इस बाज के बच्चे को उड़ाया तो तुझे 100 केजी सोना 100 केजी चांदी और 5 गांव गिफ्ट मिलेगा, लेकिन नहीं उड़ाया तो तुम्हें बहुत हार्ड पनिशमेंट मिलेगा। वो बोलता है महाराज आप मुझे 10 दिन का टाइम दीजिए, मैं 10 दिन के अंदर इस बाज के बच्चे को उड़ा दूंगा। राजा उसे 10 दिन का टाइम देते हैं और ट्रेनर 10 दिन तक उस बाज के बच्चे को ट्रेनिंग देता है। 10 दिन बाद राजा वापस आते हैं, उनकी सेना वापस आती है, सारी प्रजा वहां पर भीड़ लगा के वापस आती है और इसके बाद सारे लोग उसे देख रहे होते कि आज क्या होगा। तो ट्रेनर सबसे पहले वाले बाज के बच्चे को उड़ाता है। जब पहला बाज का बच्चा है तो उड़ता है, कलाकारी करता है, बैठ जाता है, वो सबको पता था है बाज का बच्चा ऑलरेडी पहले से उड़ रहा। अब दूसरे बाज के बच्चे की बारी आती है तो सारे लोग देख रहे होते कि अब क्या होगा, अब अगर ये बाज का बच्चा नहीं उड़ा तो इस ट्रेनर को बहुत बड़ा पनिशमेंट देगा राजा। सारे लोग देख रहे होते टकाटक और वो आदमी वहां पर आता है और उसके बाद वो दूसरे बाज को बच्चे को उड़ाता है। और जैसे दूसरे बाज को बच्चे को उड़ाता है तो दूसरे बाज का बच्चा पहले बाज के बच्चे से 2 गुना ऊपर उड़ रहा होता है, पहले बाज के बच्चे से 2 गुना ज्यादा कर्तव्य दिखा रहा होता है। राजा बहुत खुश होते हैं, प्रजा तालियां बजाती है, जय जयकार उसका होता है, फूल माले से उसका स्वागत किया जाता है और राजा खुशी से उसे 100 केजी सोना 100 केजी चांदी 5 गांव गिफ्ट करते हैं। इसके बाद राजा उससे पूछते हैं कि दोस्त तूने इस एग्जाम को जीत लिया, तुझे तूने जो भी चाहा था वो मिला, लेकिन तुम एक चीज बताओ इसका रहस्य क्या है, राज क्या है कि जिस काम को यहाँ का सबसे बेस्ट ट्रेनर 1 महीने में नहीं कर पाया तूने उस काम को 10 दिन में पूरा किया। वो बोलता है महाराज जब मैं यहाँ पर आया तो सबसे पहले बाज के बच्चे को उड़ाया वो ऑलरेडी उड़ रहा था, जब मैं दूसरे बाज के बच्चे को उड़ाया तो यहां से उड़ाया, फिर 10 फीट गया फिर वापस आके बैठ गया, फिर उड़ा यहां से फिर कुछ दूर गया फिर वापस आके बैठ गया, फिर एक तीसरा बार उड़ा और उड़ने के बाद वापस आ रहा था तो जिस पेड़ की टहनी से उड़ा था उस टहनी को मैं काट दिया, जब ये वापस आया तो इसको बैठने का जगह नहीं मिला, ये फिर उड़ा उड़ता गया उड़ता गया उड़ता गया और यहां का सबसे कलाकारी बाज बन गया। जो व्यक्ति जो बाज का बच्चा सबसे कलाकारी बाज बना सहारा उसे 10 फीट भी नहीं उड़ने दे रहा था। आज के बाद कंफर्ट जोन को छोड़िए, सहारे को छोड़ दीजिए और सोलो पर चलना शुरू कर दो, दिन रात एक करना पड़े लेकिन 5 दिन कर दो, कंफर्ट जोन को छोड़ दो। दोस्त जिस तरीके से कंफर्ट जोन को कोहली ने छोड़ा, आज क्रिकेट की दुनिया में पूजा होती है, रोनाल्डो ने छोड़ा, फुटबॉल की दुनिया में पूजा होती है, आज आपके मेंटर ने छोड़ा, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में पूजा होती है, कंफर्ट जोन को छोड़ दीजिए, आगे आने वाले दिनों में डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आपकी पूजा होगी दोस्त 100% छोड़ सकते हो। नेक्स्ट में चलता हूं।